वेलकम गाइस टू माय चैनल सॉल्यूशंस वे टू सक्सेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोटिफिकेशन। यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कुल पदों की संख्या है 68,500 और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 25 जनवरी से। तो फॉर्म को कैसे भरें, किस डेट से किस डेट तक फॉर्म भर सकते हैं, कब फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, क्या है सिलेबस, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, इस सब के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो गाइस जो फॉर्म भरना है वो भरा जाएगा 25 जनवरी से और जो पेपर आएगा वो पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें 150 अंक के लिए यह शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। पहले यह आकलन लगाया जा रहा था कि शायद कोई कट ऑफ लानी पड़े जिससे ऊपर आने वालों को ही ये जॉब ऑफर होगी, तो 45% अंक लाने होंगे सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को। और इसके लिए आवेदन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी दूरस्थ विधि से या 2 वर्षीय बीटीसी या डीएड विशेष या शिक्षा विशिष्ट बीटीसी, बीटीसी उर्दू या 4 वर्षीय बीएलएड करके रखा होगा और साथ ही साथ उनका टीटी क्वालिफाई करना भी जरूरी है। तो गाइस इस फॉर्म को आप भरना शुरू कर सकते हैं 25 जनवरी से। विज्ञापन का प्रकाशन विभिन्न पेपरों में होगा 23 जनवरी को और आप 25 जनवरी से फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 6 फरवरी, फीस जमा करने की लास्ट डेट है 7 फरवरी और आवेदन करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी। इसी तरीके से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर किसी भी तरीके की त्रुटि हो जाती है तो 13 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी में शाम 6 बजे तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो पेपर का आयोजन होगा वो होगा 12 मार्च को। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो तिथि है उसके अकॉर्डिंग 12 मार्च को पेपर होगा और जो रिजल्ट आने हैं वो पहले आने वाले थे 30 अप्रैल 2018 को, अब रिजल्ट आएंगे, डेट थोड़ी आगे कर दी गई है, तो 15 मई 2018 को। तो गाइस जो 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा है ये होगी 12 मार्च को और रिजल्ट आएगा 15 मई को। तो ये दोनों डेटें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर जो पेपर आएगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सबसे पहले भाषा होगी जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाएँ हैं, जिसमें आएगा व्याकरण, अपठित गद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरा सजेशन आपको ये है इसके लिए आप लूसेंट की हिंदी, लूसेंट की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट की हिंदी और इंग्लिश की बुक काफ़ी अच्छी हैं और सब कुछ कवर करती हैं। ये लगभग 40 नंबर का आएगा। फिर विज्ञान के लिए आपको कक्षा 1 स्पेशली कक्षा 5 से लेकर के जो 8 तक की किताबें हैं, या थोड़ा और पढ़ने का मन करे तो कक्षा 10 तक की किताबें जो यूपी बोर्ड की हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर गणित के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताबों को अच्छी तरीके से हल कर लेंगे तो गणित के जितने भी टॉपिक आने हैं वो सब का सब कवर हो जाएगा। यहाँ जो सिलेबस दिया है इस सिलेबस को देख कर ये क्लियर हो जाता है कि 8वीं कक्षा से ऊपर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा गणित को लेकर के चिंता ना कीजिएगा और 1 से लेकर के 8 तक की किताबों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे वीडियोस में मैं ये सब कुछ कवर कर रही हूँ और जो टॉपिक्स अभी रह गए हैं उन्हें मैं आपके पेपर से पहले पहले कवर कर दूंगी। साथ ही साथ अगर कोई बुक रेफ़र करना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की किताबों को पढ़ लीजिए, ये मोर देन सफिशियंट होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, और इसके लिए बुक आती है, एक लूसेंट की बुक आती है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं या आप पवन की गाइड से पढ़ सकते हैं या आप जिस भी सोर्स से आपने बीटीसी के 4 सेमेस्टर में पढ़ा है वही सोर्स से जाकर के आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट किताबें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर जो सामान्य ज्ञान,
या समसामयिक ज्ञान है, इसको आप मेरे वीडियोस देके कवर कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में लगभग सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, न्यूज़, ये सब कुछ कवर करके चल रही हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई एक पतली सी जनरल नॉलेज की बुक एडिशनली खरीद सकते हैं। फिर तार्किक ज्ञान है, रीजनिंग है, और उसके बाद सूचना तकनीकी पे कुछ प्रश्न आएंगे। जनरल से प्रश्न होंगे कंप्यूटर क्या है या इंटरनेट या स्मार्टफोन वगैरह के बारे में, और सिर्फ 5 नंबर का आना है, इसलिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो आप उन बुक से मटेरियल पढ़ सकते हैं। फिर जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का पेपर आएगा 10 नंबर का, तो आप ये ध्यान रखिए कि किस पेपर का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गाइज आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, आपके पास कुल मिला के लगभग 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम का समय है। इन 2 महीनों से कम के समय में आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इतनी सारी वैकेंसी शायद पहली बार आई है और आगे भी आने की संभावना बहुत कम है इतनी सारी वैकेंसी की। तो अगर आप TET क्वालिफाई हैं, आपने BTC कंप्लीट कर लिया है, सारी अर्हताओं को अगर आप पूरा करते हैं तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई किसी तरीके का डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब मांग सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से कवर होते रहेंगे। तो गाइस ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। गाइस ऑल द बेस्ट।